और जहाँ पे सघन फसलें की हुई है उनको हमने बिल्कुल 14 अक्टूबर तक का समय दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। डालिया गांव के किसान हैं परेशान पटवारी पर। उन्होंने रोप भी लगाया है कि पटवारी हमें भारतमाला प्रोजेक्ट के अधीन आने वाली सड़क और खड़ी फसलों को वहां से हटाने के निर्देश दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अधिकारियों को देना है कब्जा, लेकिन हमारे खेतों में खड़ी है नरमा कपास और ग्वार की फसल। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर ने किसानों के साथ वार्ता में निर्णय लिया था कि 14 अक्टूबर तक खड़ी फसल को नहीं उजाड़ा जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद भारतमाला प्रोजेक्ट के अधिकारियों को किसानों की फसल उठने के बाद दिया जाएगा कब्जा, लेकिन गांव डाड़िया के लोग और किसान हैं परेशान, पटवारी पर लगा रहे हैं आरोप। आइए आपको सुनाते हैं कि गांव डाड़िया के किसानों ने किस प्रकार पटवारी पर आरोप लगाया है, सुनिए। गल ज़्यादा था देवी लाल पटवारी वो ज़्यादा दाब देंदे होर कोई अफसर तो आते नहीं। हूँ भी उन्हें नाल साड़ी गल हुई है, वो यही कहते भी SDM को जाओ, असं SDM को नहीं जाते। इन्हें पावर है तो आपकी मशीन लै आवन तो कब्जा लै लवन। सानू कलैक्टर साहब का आदेश आए भी 15 अक्टूबर तक कोई भी आए तो किसी इधर आन ही नहीं देना। तो फिर तंग क्यों करता? तंग रोज़ ही परेशान करते। कल भी मेरी दवाई गोली पई, मैं उत्थे इनकार कर दे। मैं उन्होंने यही गल आखी, मैं सब स्प्रे तो मैं करा कल कर दी स्प्रे। हालांकि कलेक्टर ने यही कहा है कि 14 अक्टूबर तक जहां सघन फसलें खड़ी हैं उसको नहीं उजाड़ा जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट या खाली जगह है वहीं पर निर्माण कार्य चलाया जाएगा, और जो फसलें खड़ी हैं 15 अक्टूबर के बाद वहां पर भारतमाला प्रोजेक्ट के अधिकारी किसानों की ज़मीन का लेंगे कब्जा। आइए आपको सुनाते हैं कि कलेक्टर हनुमानगढ़ का इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनिए। सर, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है इसमें एक कन्फ्यूजन है किसानों के। आपने किसानों के साथ 14 अक्टूबर तक समय दिया था, लेकिन डालिया में कल बात सामने आई कि वहाँ पर कह रहे कब्जा हटाया जाएगा। देखिए, किसानों का संगठन हमसे मिले थे और जहाँ पे सघन फसलें की हुई है उनको हमने बिल्कुल 14 अक्टूबर तक का समय दिया है, क्योंकि किसानों ने भी ये कहा और माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी ये कहा कि 15 अक्टूबर को जो रिमेनिंग 20 से 25 किलोमीटर शेष हिस्सा बच गया है वो 100% हम आपको दे देंगे। तो जितना फसल रहित एरिया है वहाँ पे कार्य लगातार चलता रहेगा, फसलों वाले एरिया में हम लोग 15 अक्टूबर को कार्य करेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि कलेक्टर ने दोबारा फिर स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है कि 14 अक्टूबर तक फसलें नहीं उजाड़ी जाएंगी। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या डाड़िया गांव के किसानों की जो फसलें नरमे की, कपास की और गुबार की खड़ी, क्या उसको भारतमाला प्रोजेक्ट के अधिकारी या कर्मचारी या अन्य उनके सहयोगी अधिकारी फसल को छोड़ते हैं, या फिर किसानों की फसलों को यहां से उजाड़कर कब्जा लेने का करते हैं प्रयास। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।